सो हेलो गाइस, सीरी थर्स है। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि न्यू सीजन आ चुका है, तो गाइस अगर आप भी न्यू सीजन में कॉन्क्वेरर या एस टायर में लैंक पुश करना चाहते हो, तो गाइस ये वीडियो होने वाली है आपके लिए काफ़ी यूजफुल, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आपको ऐसी यूजफुल थिंग्स या टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली 3 से 4 दिन में रैंक पुश कर पाएंगे। तो गाइस बिना किसी नोटिंग के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि पबजी मोबाइल 2.0 के अपडेट के बाद एक नया कोर मोड आया है। तो गाइस ये मोड आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है रैंक पुश करने के लिए। तो गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे हॉट ड्रॉप पे लैंड करना है, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि ईरेंगल के नॉर्मल मैप से रिकॉल का फीचर हटा दिया गया, लेकिन गाइस यहाँ कोर मोड में ऑटोमेटिक रिकॉल फीचर डाल दिया गया है। उस पर गाइस में एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, तो गाइस वो आप आई बटन में देख पाओगे। तो पूरे ईरेंगल मैप में आपको सबसे अच्छी लूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा अच्छी लूट ले लेनी है पहले तो। और गाइस अगर आप यहाँ पे अच्छी लूट भी ले लेते हो, तो आपको पूरे स्क्वाड के साथ लैंड होना है, क्योंकि यहाँ पे एनिमीज भी बहुत सारे लैंड होते हैं और यहाँ पे बॉट्स भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखो, पहले मेरे को एक बॉट मिल गया और मैंने इसको ईजीली किल कर लिया था। तो इस बार तो यहाँ पे बंदे इतने ज़्यादा नहीं गिरे, लेकिन गाइस अगर आप अपने पूरे स्क्वाड के साथ रहोगे तो बंदे भी गिरेंगे, तो आप उनको इजीली मार पाओगे। और यहाँ पे एक एनिमी मेरे को दिख गया था और मैंने इसको बीपी के आयरन साइड से इजीली नॉक कर दिया, और मेरे को लगा कि यहाँ पे उसका एक और बंदा हो सकता है, तो मैंने वहाँ पे फिर से बीपी का 4x लगा के खोला। और यहाँ पे देखो, उसका एक टीममेट भी मेरे को दिख गया और मैंने उसको आराम से बीपी का जेल ब्रश स्प्रे दे दिया और इसको इजीली नॉक एंड फिनिश कर दिया। तो मेरे को यहाँ इससे 3 किल्स मिल गए। और गाइस यहाँ पे ज़्यादा लोग घरों में कैंप भी करते हैं, तो मेरे को लगा कि आगे वाले घरों में कोई बंदे हो सकते हैं, और वहीं पे मेरे को एक एनिमी दिखा और मैंने उस एनिमी को भी M24 का पार्ट से हेडशॉट दे दिया। और यहाँ पे नॉक करते ही मैंने पहले तो रश करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरे को डैमेज दे दिया था, और मैंने यहाँ पे एक और बार बीपी के स्पेस से नॉक कर दिया था एनिमी को। और नॉक करते ही मैंने वहाँ पे रश करने की कोशिश की, और देखो यहाँ पे मैंने इजीली 4 से 5 किल को ले लिए। सो गाइस इस मोड में आपको इजीली रश करके खेल सकते हो। पहले आप इजीली 5 से 6 किल्स ले सकते हो, और गाइस जब आप मर जाओगे और रिकॉल होके आ जाओगे तो आप सेफली खेलना और आप इजीली पोजीशन पॉइंट भी ले लेना, उससे आपका किल्स भी अच्छे से हो जाएंगे और पोजीशन पॉइंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे और आपका अच्छा खासा प्लस भी हो जाएगा, और उससे गाइस आप इजीली 3 से 4 दिन में कॉन्क्वेरर टायर में पहुँच जाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस।